हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम बात करेंगे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 की, और जानेंगे कि बैरूबरी यूनियन केस है क्या है, और 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, या 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था, या भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, और जानेंगे इससे पहले के थोड़े संविधान को हम रिविजन भी करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक संविधान संशोधन देख चुके हैं, और जानेंगे इस वीडियो में 9वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, और यूपीएससी एमबीपीएससी और जुडिशियल लेवल एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वां संविधान संशोधन हम डिटेल में जानेंगे, और इसके बाद आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब 9वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और 9वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 9वां संविधान संशोधन से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 9वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो पहला नंबर इसका आंसर है 1960। 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद यह किससे रिलेटेड था, बाउंड्री डिस्प्यूट से। यह बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड था, मतलब सीमा विभाजन से रिलेटेड था, है भारत पाकिस्तान से भी रिलेटेड था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस काफ़ी महत्वपूर्ण फेमस हुआ, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, कई बार है पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सेसेशन ऑफ इंडियन टेरेटरी बैरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान, मतलब इंडियन टेरेटरी जो भारत का क्षेत्र था बैरूबरी यूनियन, इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। यह क्वेश्चन आता है कि क्या हुआ इसमें, तो सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी बैरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान। दूसरी बात, यह इंडो पाकिस्तान एक एग्रीमेंट हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और एक प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, नून फिरोज शाह नून शायद उनका पूरा नाम था, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी एग्रीमेंट के तहत सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी बैरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान, तो उसे दे दिया गया। अब इससे एक सवाल यह बनता है कि बैरूबरी कहाँ है, या बैरूबरी यूनियन इसका नाम क्यों रखा। तो बैरूबरी एक जगह है, वो है पश्चिम बंगाल में, और अब है पाकिस्तान में चली गई है, जो कि 1960 में इसी अमेंडमेंट में है हुआ था, और भारत पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुए थे, 2-3 एग्रीमेंट हुए थे 1958, 1959 और 1960 में, और यह भारत के प्रधान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। उनसे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इसमें हुआ क्या था इस एग्रीमेंट में, या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया, मतलब संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। क्वेश्चन आता है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे देंगे, ऑब्जेक्टिव 4 दे देंगे कि किस शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट शेड्यूल, संविधान में प्रथम अनुसूची में संशोधन हुआ। दूसरी बात, बैरूबरी यूनियन केस वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस एज फार एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न, उनमें भी कई बार पूछा जाता है कि बैरूबरी यूनियन केस क्या है। तो इस केस को तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे जब केस लो पढ़ाएंगे। तो अभी आप यह समझ लीजिए कि बैरूबरी यूनियन केस काफी चर्चित हुआ था, और बैरूबरी यूनियन केस 9वें संविधान संशोधन से रिलेटेड था। इस प्रकार से यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या हुआ, सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी बैरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान को सौंप दी गई। इंडियन टेरिटरी थी बैरूबरी, एक जगह थी, एक गांव का नाम था, उसे सौंप दिया गया। किसके थ्रू, इंडो पाक एग्रीमेंट, भारत पाकिस्तान का एग्रीमेंट था। किन किन ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नून। यह इसलिए चर्चित है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट। सो इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने 2019 में पूछ लिया था एक बार कि जब प्रथम अनुसूची जोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऐसे घुमाकर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यह एग्रीमेंट हुआ उस समय, या 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 9वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन यह बन जाता है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, पंडित राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा केस कौन सा महत्वपूर्ण है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड फेमस केस कौन सा है, तो वो है बैरूबरी यूनियन केस। एक बार आप और नोट कर लें, बैरूबरी यूनियन केस। तीसरी बात आती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन भी लिया गया। जी हाँ दोस्तों, यह इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें जो भारत के राष्ट्रपति थे उन्हें एडवाइजरी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी दिया था, और इसलिए यह चर्चित था। और 1958 की जो एग्रीमेंट हुई थी भारत पाकिस्तान की, उनसे यह संबंधित था। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इस वीडियो में जाना किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड था। बैरूबरी यूनियन कहाँ है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया तो पश्चिम बंगाल में है।
किस संविधान में, संविधान में कहां संशोधन हुआ? पहली अनुसूची में संशोधन हुआ। बेलवरी यूनियन की इससे रिलेटेड है नौवां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1960 में हुआ। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो नून थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेलवरी यूनियन टू पाकिस्तान, बस इतना हुआ। भारत की जो टेरिटरी थी वो पाकिस्तान को दी गई और यहाँ पर कुछ जो इनके एग्रीमेंट हुए थे पाकिस्तान की, भारत भारत की पाकिस्तान में आई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो सर रेड क्लिफ थे, उन्होंने इस रेखा, इन रेखाओं का बंटवारा किया था, इसलिए उनके नाम पर सर रेड क्लिफ रेखा पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। रेड क्लिफ रेखा क्या है? तो भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन करती है वो। कभी कभी एलओसी और एलएसी का फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और नौवां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में। तो इस वीडियो में हमने जाना नौवीं संविधान संशोधन 1960 के बारे में। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे दसवां संविधान संशोधन 1960 और पूरे संविधान संशोधन को देखेंगे। इससे पहले आपने 1 से 8 तक संविधान संशोधन नहीं देखे तो वो वीडियो को देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।